ओके चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 77 जो कि है इफ़ ए कॉस क्यूब थीटा प्लस ऑफ 3 ए कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम ए साइन क्यूब थीटा प्लस 3 ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एन, तो हमको प्रूफ करना है एम प्लस एन टू द होल पावर 2/3 प्लस ऑफ एम माइनस एन टू द होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर 2/3. राइट तो देखिए बहुत आसान है ये, हमको एम और एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हमको डायरेक्ट एलएचएस के अंदर वैल्यू को पुट अप करना है. तो हम एलएचएस लेके सॉल्व करते हैं और एम और एन के प्लेस पर उसकी वैल्यू को पुट अप करते हैं. ठीक है तो एम के प्लेस पर हमने पुट किया ए कॉस क्यूब थीटा प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. राइट हमने m के प्लेस पे वैल्यू पुट की, इसी तरह हम n के प्लेस पे n की वैल्यू पुट अप कर देते हैं. तो n के प्लेस पर है a साइन क्यूब थीटा प्लस ऑफ 3 a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. राइट और इसकी जो पावर है वो 2/3 है. ओके प्लस ऑफ नेक्स्ट m के प्लेस पे हमने वैल्यू पुट अप की a कॉस क्यूब थीटा प्लस ऑफ 3 a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ n के प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट अप की. ठीक है और मैं साथ साथ माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूँ, तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी. तो ये हो गया हमारा a साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा टू द होल पावर 2/3. ओके हम एल एच एस में हमने सिंपल इस स्टेप में एम और एन के प्लेस पर जो वैल्यू हमको गिवन थी वो पुट की. ठीक है अब हम यहाँ देखते हैं कि हर एक टर्म में ए है हमारे पास. देखिए हर एक टर्म में हमारे पास यहाँ पर ए है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन से ए को कॉमन ले सकता हूँ. इसी तरह मैं यहाँ पर भी देखिए चारों टर्म में ए है, तो हम पूरी इक्वेशन से ए कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ से ए जब बाहर आएगा तो ए की पावर 2/3 बाहर आएगा. ठीक है ए की पावर 2/3 हमने बाहर लिया, तो यहाँ बन गया हमारा कॉस क्यूब थीटा प्लस ऑफ 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. ओके इसी तरह हमने इस इक्वेशन से भी ए को कॉमन ले लिया, तो ए की पावर 2/3 बाहर आया, तो अंदर बचा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा प्लस ऑफ 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और इसकी जो होल पावर है वो है 2/3. अच्छा यहाँ पर भी होल पावर 2/3 चल रही है एज इट इज़. ठीक है अब हम दोनों ही एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें तो ये कुछ आइडेंटिटी बनी है. हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला जो होता है a क्यू प्लस ऑफ 3 a स्क्वायर b प्लस ऑफ 3 a b स्क्वायर प्लस ऑफ b क्यू. राइट और एक और आइडेंटिटी a माइनस बी के होल क्यूब की जो होती है a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस ऑफ 3 a b स्क्वायर माइनस ऑफ b क्यूब. राइट तो देखा जाए a प्लस b की होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो रही है और a माइनस b की इस जगह. यहाँ a के प्लेस पर cos थीटा है और b के प्लेस पर sin थीटा. हम कंपेयर भी कर सकते हैं, तो अगर a के प्लेस पर cos थीटा लें तो a क्यूब देखिए cos क्यूब थीटा देन 3 a स्क्वायर b, तो ये टर्म ना लेकर हम इसको देखते हैं 3 ए स्क्वायर बी, ए के प्लेस पे कॉस है और बी के प्लेस पे साइन है प्लस ऑफ 3 ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी क्यूब साइन क्यूब, ये रहा. ठीक इसी तरह यहाँ पर ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ए के प्लेस पे कॉस थीटा है और बी के प्लेस पर साइन थीटा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. अच्छा साथ साथ हम दोनों ही टर्म से ए की पावर 2/3 कॉमन ले लें, तो ए की पावर हमने 2/3 दोनों ही टर्म से कॉमन ले लिया. ठीक है तो यहाँ पर बना हमारा कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा का होल क्यू का फॉर्मूला. ठीक प्लस ऑफ यहाँ हमारा बना ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा का होल क्यूब. राइट अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी पहले से चल रहा है 2/3, तो ये भी हम ले लें 2/3
और इस पर भी पावर चल रही है 2/3, राइट। और इन दोनों से हमने एक ही पावर 2/3 यहाँ कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब पावर का अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एक ही पावर 2/3 आज इज रहा, पावर का अंदर मल्टीप्लिकेशन ऊपर होने पर 2/3 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा सिर्फ कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, राइट। प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने ओपन किया ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा हमारा a टू द पावर 2/3, ये हो गया ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साथ साथ होता है प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको भी ओपन किया तो प्लस ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा से 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पर भी हम लिख सकते हैं 1, राइट। तो फाइनली ये हो गया हमारा a टू द पावर 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लस पर हमने पुट किया 1 प्लस ऑफ नेक्स्ट के लिए भी 1, तो 1 प्लस 1 मिलकर हो गया 2, तो आंसर आ गया हमारा 2 × a^2 जो कि हमारा राइट हैंड साइड था, ओके। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 जो कि है इफ़ एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा वाई इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, तो हमको इसमें प्रूफ करना है एक्स अपॉन ए टू द पावर 2/3 प्लस ऑफ वाई अपॉन बी टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1, राइट। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप करनी है हमको, इसमें भी हम LHS लेके सॉल्व करते हैं, जबकि जो गिवन है हमको x गिवन है, जबकि यहाँ पर वैल्यू पुट होगी x अपॉन a, तो हम इसको सॉल्व कर x अपॉन a की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से y अपॉन b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो निकाल लेते हैं। पहले हमको गिवन है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन a इक्वल टू cos क्यूब थीटा, ठीक है। इसी तरह हमको y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा गिवन है, तो y अपॉन b इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा, राइट। अब हम LHS को लेके सॉल्व करते हैं, तो चलिए LHS को लेके चलते हैं। x अपॉन a के प्लेस पे हमें पुट करना है cos क्यूब थीटा, तो हमने x अपॉन a के प्लेस पे पुट किया cos क्यूब थीटा और इसकी पावर 2/3, राइट। प्लस ऑफ y अपॉन b के प्लेस पे पुट किया हमने यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा टू द होल पावर 2/3, राइट। अब यहाँ पर पावर के अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 3 से 3 कैंसिल, तो सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि हमारा RHS है, ओके। क्लियर है, नोट कर लीजिए, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 जो कि है इफ़ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5, तो प्रूव दैट 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5, जबकि हमको प्रूफ करके लाना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्लस माइनस 3 आना, ठीक है, प्लस माइनस 3। मैं इस क्वेश्चन की दो मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा, जो एक मेथड जिससे कि प्लस माइनस 3 हमको आएगा, और अगर सिर्फ आपको प्लस 3 पूछा होता तो भी मैं एक मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, राइट। तो देखिए अपन सोचें कि हमको अगर प्रूफ के अंदर प्लस माइनस 3 चाहिए है, तो ये कन्फर्म है कि जो भी कॉन्स्टेंट है उसका स्क्वायर रूट सॉल्व होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट जब सॉल्व होगा उसी केस में हमको प्लस माइनस 3 मिलेगा। तो जो हमको गिवन कंडीशन है हम उसका पहले तो स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने पर ही हमको प्लस माइनस 3 आने वाला है, ठीक है। तो हम LHS लेके चलते हैं, सॉरी LHS तो नहीं, यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है वो लेके चलते हैं। हमको गिवन है 3 साइन थीटा प्लस ऑफ 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5। हमने करा क्या, फर्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायरिंग करी बोथ साइड की, ठीक है, दोनों साइड की हमने स्क्वायरिंग की, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 5 3 जा 15 2 जा 30 साइन थीटा
कॉस थीटा, ओ ये ए स्क्वायर मतलब सॉरी बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 राइट। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है, देखिए साइन थीटा का कांस्टेंट है 3, कॉस थीटा का कांस्टेंट है 5, जबकि यहाँ पर इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके कांस्टेंट यहाँ पर चेंज हो गए और साथ साथ बीच का साइन भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इनको चेंज कर लेते हैं, साइन को कन्वर्ट करते हैं कॉस में और कॉस को कन्वर्ट करते हैं साइन में। तो ये हो जाएगा हमारा 9, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 30 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हमने एज इट इज रहने दिया प्लस ऑफ 25 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 राइट। अब यहाँ 9 का अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया 9 वन 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एज इट इज रहने दिया प्लस ऑफ 25 का अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हुआ 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 राइट। अब हम यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड ले लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड ले लेते हैं। यहाँ पर ये 25 प्लस 9 जो कि हो गया 34 और 34 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए, माइनस 34 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन लिख ही लेते हैं, तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 9 कॉस स्क्वायर थीटा राइट प्लस ऑफ 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ 25 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ 25 से 25 कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड बचेगा सिर्फ माइनस ऑफ 9। इस साइन को हटाने के लिए हमने दोनों ही साइड माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओके ये हो जाएगा नेगेटिव प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस ऑफ, मैं इसे भी लिख सकता हूँ 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ऑफ 9। क्लियर, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ऐसा कुछ हो रहा है, कांस्टेंट ए इंटू बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनने वाला है राइट। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, देखिए बीच में हमको 30 चाहिए जबकि ए और बी के साथ हमको 3 और 5 ऑलरेडी है, तो 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 कॉस को पहले लेते हैं कॉस थीटा इंटू 5 साइन थीटा, कोई फ़र्क पड़ा, देखिए 5 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, यही स्टेप बन रही है प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। और इस कंप्लीट स्टेप को हम लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है क्योंकि इज इक्वल टू है हमारे पास 9। क्लियर, अब इसके बाद स्क्वायर को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, अच्छा यहाँ पर हम देखें जो प्रूफ में साइन थीटा पॉजिटिव है जबकि हमको यहाँ पर साइन थीटा नेगेटिव आ रहा, तो हम माइनस का माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ स्क्वायर होने के कारण वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इन टर्म्स के साइन को आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं 5 साइन थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, स्क्वायर होने के कारण माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 9, क्योंकि हमको ये सब प्रूफ में चाहिए इसलिए हम ये स्टेप लिख रहे हैं, अदरवाइज ये भी राइट है। क्लियर, ये भी राइट है। अब स्क्वायर को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो ये हुआ 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9। और जब हम
रूट नाइन को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास प्लस माइनस 3, जो कि हमको प्रूफ करना था. ओके, क्लियर ये प्रूफ. अगर हमको प्लस माइनस 3 लेकर आना है तो जो गिवन कंडीशन है उसकी हमको स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगी. बिना स्क्वायरिंग किए प्लस माइनस 3 नहीं आएगा. राइट, मैं इसकी एक मेथड और बताता हूँ जिससे कि सिर्फ प्लस 3 आंसर आएगा. ओके, नोट कर लीजिए इतना. चलिए इसी का एक प्रूफ और देखते हैं जिसमें हमको प्लस 3 मिलेगा. जो गिवन है हमको वो है 3 साइन थीटा प्लस ऑफ 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5. राइट, अब देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास 5 है और लेफ्ट हैंड साइड में जो 5 है वो कॉस थीटा का कोफिशेंट है. तो हम कॉस थीटा को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 3 साइन थीटा इक्वल टू 5 माइनस 5 कॉस थीटा. स्टेप क्लियर है. अब हम इन दोनों टर्म्स से 5 को कॉमन ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 3 साइन थीटा इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अब क्योंकि हमें जो कॉस है उसको साइन बनाना है, क्योंकि जो 5 है यहाँ पर कॉस का कोफिशेंट है. राइट, जबकि 5 जो प्रूफ में लाना है वो साइन का कोफिशेंट है. हमको यहाँ पर साइन बनाना है. तो साइन कैसे बनेगा, हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का. तो इससे होगा क्या, ये न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसके लिए हमने 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन और 1 प्लस कॉस थीटा का हमने यहाँ पर डिवाइड किया. तो इससे जो हमारा स्टेप है वो कुछ इस तरह हो गई, 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. यहाँ तक क्लियर है. अब इसके बाद हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा. तो ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. अब देखिए यहाँ का साइन इस साइन से कैंसिल हो गया और 3 के साथ अब कॉस आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए हमने 3 साइन से साइन कैंसिल किया और 1 प्लस कॉस थीटा का हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया. तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा. राइट, अब इसके बाद 3 का हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन किया. तो ये हो गया 3 वन ज़ा 3 प्लस ऑफ 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा. हमने शिफ्टिंग की, हमको कॉस को नेगेटिव बनाना है तो हमने 3 कॉस थीटा को राइट हैंड साइड लेके चले गया और इसको कुछ इस तरह लिख लिया हमने 5 साइन थीटा. राइट, माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा इक्वल टू 3. देखिए इस तरह हमें अगर इसको प्रूफ करेंगे तो प्लस 3 हमारा रिजल्ट आया है. अगर आपको सिर्फ प्लस 3 के इक्वल प्रूफ करना था तो आप इस मेथड से कर सकते हैं. प्लस माइनस 3 लाना है तो आपको जो गिवन कंडीशन है उसका स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगी दोनों साइड की. राइट, क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए.